हाय, माय नेम इज हमाद अली और हमारे कोर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के आज का टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। और इसके अंदर हम देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन और उसके बेसिक डाटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को भी। सबसे पहले हमने ये लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। इस लिंक से जाके हम एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक एक्जी डाउनलोड होगी और उस एक्जी के ऊपर डबल क्लिक करने से हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप हमने कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसमें हम बेसिकली स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इस एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ हमारे पास जो पोर्टेबल JDK है और एंड्रॉयड SDK वो इसके साथ इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जहाँ पर हम स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ होगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो कि रिक्वायर्ड है किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, यानी कि एप्लीकेशन का नाम डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन की आप कह सकते हैं आइडेंटिफायर है उसको डिफाइन करेंगे, जो यहाँ पे कंपनी नेम के नाम से लिखा हुआ है, जो कि पैकेज नेम को भी डिफाइन करेगा। ये नाम हमने बड़ा चूजी होके रखना है। उसकी वजह यह है कि ये जो हम नाम रखेंगे, यही नाम जो है वो गूगल प्ले के ऊपर हमारी एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई भी करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि हम किस डिवाइस के लिए हम एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम फ़ोन और टैबलेट को टारगेट करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके लिए मिनिमम जो हमारा एंड्रॉयड का वर्जन है उसको भी डिफाइन करेंगे। आपने नोट किया होगा कि कुछ एप्लीकेशंस कुछ सेल फोन के अंदर गूगल प्ले में नज़र नहीं आती, अगर डाउनलोड कर भी लें हम किसी तरीके से उनकी APK तो वो इंस्टॉल नहीं होती। उसकी वजह यही है कि जो एप्लीकेशन है उसके अंदर डिफाइन हुआ होता है कि ये मिनिमम कौन से वर्जन के लिए अवेलेबल है और कौन से वर्जन के लिए नहीं। तो यहाँ पे जब हम मिनिमम SDK डिफाइन करेंगे तो वो उस वर्जन तक के लिए तो अवेलेबल होगी, उससे कम वर्जन्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास एक ऐसी स्क्रीन आएगी जिसके अंदर हमने चूज़ करना है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो किस तरह की एक्टिविटी होगी। तो हम बेसिकली एम्प्टी एक्टिविटी के साथ ही अपनी तमाम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सो एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास राइट साइड के ऊपर एक एंड्रॉयड की स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें कुछ टेक्स्ट व्यू नज़र आएगा, एक आर टेक्स्ट व्यू, और जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वहाँ पे कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है जो कि हम उसको देखने में इंटरेस्टेड भी हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई किए हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को, तो इनको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। वंस अगर आप इनको एक दफ़ा देख लेंगे तो नेक्स्ट हमें इनको समझने में भी आसानी होगी और इनका यूजेज भी हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास हमने जो नंबर को नंबर 1 पे रखा है वो है हमारा जावा का फोल्डर। तो जावा के फोल्डर के अंदर आपको बेसिकली वही नज़र आ रही है नेम स्पेस जो कि हमने डिफ़ाइन की थी प्रोजेक्ट बनाते हुए, तो वही नेम स्पेस के साथ यहाँ पे हमारा पैकेज बनेगा। और इस पैकेज के अंदर हमारा जावा का जितना भी कोड है या जावा की जितनी क्लास फाइल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। एक्टिविटी की क्लास फाइल भी हमारी इसी के अंदर अवेलेबल होगी। तो जो भी काम हमने बैकएंड पे करवाना है या प्रोग्रामेटिकली करवाना है वो हम इस पैकेज के अंदर जो क्लासेस अवेलेबल हैं उनके थ्रू करवाएंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रिसोर्स के जो फोल्डर्स हैं उनके अंदर ड्राइवल का फोल्डर है, या हम इसे कह सकते हैं कि ड्राइवल और मैप मैप दोनों हम इसी कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। तो ड्राइवल के अंदर जितने भी हमारे इमेजेस हैं वो हम इसमें डिफाइन करते हैं, और उन इमेजेस की डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के हिसाब से डिफरेंट रेजोल्यूशन हम उसी हिसाब से उनके अकॉर्डिंगली इसके अंदर सेट करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है वो हमारे पास लेआउट XML है,
जो हमारी एक्टिविटी है उसको हम डिफाइन करेंगे इन एक्सएमएल, उसके जो यूआई है उसको हम डिफाइन करेंगे इन एक्सएमएल। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सएमएल के अंदर ही अपनी यूआई डिज़ाइन करें, हम डायरेक्ट जावा के अंदर भी हम अपनी यूआई को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच है, आसान अप्रोच है कि हम एक्सएमएल के अंदर अपनी यूआई डिज़ाइन करें। उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने, एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही हमें हमारी यूआई की आउटपुट भी मिल जाएगी। और अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन हमारी यूआई डिज़ाइन कर रहा है, जिसके एस्थेटिक्स तो अच्छे हैं, आर्टिस्टिक पर्सन है, लेकिन वो कोडिंग में इतना अच्छा नहीं है, तो वो हमें एक अच्छी यूआई डिज़ाइन करके दे सकता है, रादर देन कि एक प्रोग्रामर जिसके एस्थेटिक्स इतने अच्छे नहीं है लेकिन वो प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे जो फोल्डर है वो वैल्यूज़ का फोल्डर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोल्डर है लेकिन ये अमूमन निगलेक्ट हो जाता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास तीन फाइल्स हैं और एक फोल्डर है। एक पहली फाइल जो है वो कलर्स है, तो बेसिकली कलर की जो फाइल है वो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन में यूज़ होने वाले जितने भी कलर्स हैं हम उनको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ताकि हमें उन कलर्स के नंबर्स को याद रखने की बजाय हम उनके नाम डिफाइन कर दें और हम उनके नामों से उनको एक्सेस कर लें, जो कि काफ़ी ईजी है रहेगा हमारे लिए। उसके बाद अगर लास्ट में देखें तो हमारे पास स्टाइल का एक फ़ाइल नज़र आती है। स्टाइल की फ़ाइल डिफ़ाइन करती है हमारे थीम्स को, तो इसमें हम अपने जो भी एप्लीकेशन के अंदर कलर्स यूज़ हो रहे हैं या जो भी मार्जिन वगैरह या जिस किस्म की भी सेटिंग और एक्टिविटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं या लेआउट्स हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो हमारे एप्लीकेशन के थीम्स कहलाएंगे। इसके अलावा जो स्ट्रिंग की फाइल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। हम अपनी अगर एप्लीकेशन के अंदर जितनी तमाम यूज़ होने वाली कांस्टेंट स्ट्रिंग्स हैं अगर हम इसके अंदर डिफाइन करें और इसका जो नेम होगा, जो भी स्ट्रिंग का नेम होगा उसको हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करें, तो उसका फ़ायदा हमें ये है कि अगर हम इस एप्लीकेशन को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो हमें तमाम एप्लीकेशन के अंदर जाके कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग्स को ढूंढ के उनको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम इस फाइल को सिर्फ ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमारी पूरी एप्लीकेशन उसको रीट्रांसलेट हो जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब हम अपनी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लैंग्वेज चेंज करेंगे तो वो जो हमारी ट्रांसलेशन फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी और जिस लैंग्वेज के अंदर हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे या जो भी लैंग्वेज उस पर इनेबल करेंगे, हमारी एप्लीकेशन भी वही एक्सएमएल उठा के और उस लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन भी कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास डायमेंशंस का एक फोल्डर है। डायमेंशंस का फोल्डर के अंदर बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डायमेंशंस या उनके जो भी आप कह सकते हैं कि मार्जिन्स वगैरह हैं इनको डिफाइन किया जाता है। और ये फोल्डर इसका इसलिए बना हुआ है कि ये टैबलेट और उसके लिए अपनी जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन उसके लिए डिफरेंट डिफाइन होते हैं, तो इसलिए हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह लेआउट के फोल्डर के अंदर भी हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लिए डिफरेंट तरह के लेआउट्स डिफाइन कर सकते हैं। और जो हमारी पोर्ट्रेट होगी उसके साथ हम अंडरस्कोर पोर्ट पोर्ट लिखेंगे और जो हमारी लैंडस्केप के लिए एक्सएमएल होगी उसके लिए हम LAND लैंड लिखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेडल स्क्रिप्ट है। ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास दो तरह के ग्रेडल स्क्रिप्ट होते हैं, एक प्रोजेक्ट लेवल का होता है और एक एप्लीकेशन लेवल का होता है। प्रोजेक्ट लेवल के जो उस जो हमारा ग्रेडल स्क्रिप्ट है, बेसिकली ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है वो डिफाइन बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को करना है, कंपाइल करना है, तो इसके अंदर सारा कुछ डिफाइन होता है कि लाइब्रेरीज के पाथ वगैरह और एप्लीकेशन के अंदर कौन से कंपोनेंट का क्या पर्पस है और उसको किस तरीके से कंपाइल करना है और वो कौन सी लाइब्रेरीज के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है, रिसोर्सेज फाइल कहाँ पड़ी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें ग्रेडल के अंदर ये डिफाइन करता है। तो प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल होती है और एक एप्लीकेशन लेवल की। एप्लीकेशन लेवल की जो ग्रेडल है हम ज़्यादातर उसको यूज़ करते हैं और उसी से हमारा ताल्लुक रहता है। तो जो भी हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे जो कि एंड्रॉयड की SDK में अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको इस build.gradle के अंदर आके ही ऐड करेंगे।
आज के लिए फिर इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो को बाकायदा हम यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को डेवलप करके देखेंगे। थैंक यू।